हजारों देवियों के वास, उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था कितनी लचर है, ये अंकिता भंडारी हत्याकांड से समझा जा सकता है। पौड़ी से रोजगार की तलाश में चली अंकिता भंडारी की पैसों के नशे और सत्ता की हनक में डूबे कुछ लोगों ने हत्या कर दी। आरोप है कि रिजॉर्ट चलाने वाले एक भाजपा नेता के बेटे ने अंकिता को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने पर मजबूर किया, लेकिन अंकिता ने जब इसका विरोध किया तो पुलकित नाम के इस आरोपी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। 5 दिनों तक अंकिता के पिता अपनी बेटी को तलाशने के लिए राजस्व पुलिस के आसपास भटकते रहे, लेकिन मामला तब खुला जब इसकी जांच पुलिस को ट्रांसफर हुई। पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक, पुलकित और उसके साथियों से पूछताछ की तो ऐसे तथ्य सामने आए जिनसे पूरा राज्य शर्मसार हुआ और आक्रोशित जनता सड़कों पर उतर आई। शुक्रवार शाम को देहरादून समेत कई इलाकों में लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला। 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या की पुष्टि हो गई है, जिसके चलते पूरे प्रदेश के लोगों में आक्रोश है। उन्हीं में से कुछ लोग आज यहां गांधी पार्क में जमा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा हो। अंकिता एक माँ की बेटी नहीं है, वो समस्त उत्तराखंड की बेटी है। आज उन्होंने जो अन्याय उत्तराखंड की बेटी के साथ किया, ये आज उत्तराखंड की मातृशक्ति सहन नहीं करेगी। अंकिता के बड़े भाई अजय सिंह भंडारी एक कंपनी में ट्रेनी के तौर पर काम कर रहे हैं। अजय सिंह ने बताया कि अंकिता ने पौड़ी के बीआर मॉडर्न स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षा 89% मार्क्स के साथ पास की थी। वो एक मेधावी छात्र थी, लेकिन कोरोना की पहली लहर के दौरान जब उसके पिता की सुरक्षा गार्ड की नौकरी चली गई तो अंकिता को घर की आर्थिक स्थिति की चिंता सताने लगी, तभी उसने नौकरी करने का फैसला लिया। अजय सिंह भंडारी ने बताया कि अंकिता को वनंतरा रिजॉर्ट में नौकरी करते हुए महज 1 महीना ही हुआ था, लेकिन इसी दौरान रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य, जिसके पिता भाजपा सरकार में दर्जाधारी मंत्री रह चुके हैं, वो अंकिता को रिजॉर्ट में आने वाले मेहमानों को कथित एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव डालने लगा। अंकिता पहले समझ नहीं पाई कि ग्राहकों को एक्स्ट्रा सर्विस देने का क्या मतलब है, लेकिन जब उसे इस बारे में मालूम हुआ तो उसने इसका विरोध किया और अपने कुछ साथियों को भी इस बारे में बताया। आरोप है कि पुलकित आर्य और उसके साथियों ने इसी के बाद अंकिता की हत्या की साजिश की। उन्होंने अंकिता को चीला बैराज में धकेल दिया और फिर खुद ही राजस्व पुलिस में अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। 5 दिनों तक जब राजस्व पुलिस के पटवारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह मामला बढ़ने लगा। तब जाकर इसकी जांच राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर की गई। पुलिस जांच में सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया तो पहला शक पुलकित पर ही गया। रिजॉर्ट के स्टाफ ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर की शाम करीब 8 बजे अंकिता रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित और भास्कर के साथ रिजॉर्ट से बाहर गई थी। रात के करीब 10:30 बजे ये तीनों रिजॉर्ट लौट आए, लेकिन अंकिता उनके साथ नहीं थी। इस आधार पर पुलिस ने जब तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने पूरा घटनाक्रम उगल दिया। आरोपियों ने पुलिस को जो बयान दिए उसके अनुसार विवाद तब बढ़ा जब अंकिता ने ये बात अपने कुछ दोस्तों को बताई कि उस पर ग्राहकों से संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा है। आरोपियों को डर था कि अंकिता इस रिजॉर्ट में होने वाले कुकृत्यों के बारे में सबको बता देगी। ऐसे में ये लोग अंकिता को लेकर रिजॉर्ट से निकले, एक नहर के किनारे रुके। पुलिस को दिए बयान में आरोपियों ने कहा है कि नहर के पास अंकिता और पुलकित का झगड़ा हुआ। इस दौरान अंकिता ने पुलकित का फोन छीनकर नहर में फेंक दिया, जिसके बाद पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। अंकिता ने 2 बार पानी से ऊपर आकर बचाने की गुहार भी लगाई, लेकिन तीनों आरोपी वहां से भागकर रिजॉर्ट में आ गए। उन्होंने रिजॉर्ट के अन्य कर्मचारियों को बताया कि अंकिता अपने कमरे में ही है और कुछ देर बाद तीनों ने राजस्व पुलिस चौकी में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। 4 दिनों तक अंकिता के परिजन अपनी बेटी की तलाश में भटकते रहे, लेकिन राजस्व पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब आक्रोशित जनता सड़कों पर उतर आई तब जाकर ये मामला पुलिस को सौंपा गया, लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि अंकिता का शव चीला बैराज के पावर हाउस के पास नहर से बरामद हुआ। इस दौरान सरकार ने कार्यवाही के नाम पर पुलकित के रिजॉर्ट का कुछ हिस्सा बुलडोजर से ध्वस्त किया और कुछ समय बाद गुस्साई जनता ने इस रिजॉर्ट में आग लगा दी। अंकिता के पोस्टमार्टम के समय अस्पताल पहुंची स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट को भी जनता के आक्रोश का शिकार होना पड़ा। गुस्साई भीड़ ने उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की।
अंकिता हत्याकांड के इस मामले ने प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल उत्तराखंड में लगभग 60% हिस्सा ऐसा है जहां ना तो कोई पुलिस थाना है, ना कोई पुलिस चौकी है और ना ही ये इलाका उत्तराखंड पुलिस के क्षेत्राधिकार में आता है। इन इलाकों में आज भी अंग्रेजों की बनाई हुई ये व्यवस्था जारी है, जहां पुलिस का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कर्मचारी और अधिकारी ही करते हैं, जिन्हें राजस्व पुलिस कहा जाता है। यानी प्रदेश के 60% से ज्यादा हिस्से की कानून व्यवस्था का जिम्मा उस पटवारी, लेखपाल या कानून गो पर है जिसके पास ना तो कोई संसाधन है ना ही कोई ट्रेनिंग। एक तरफ पहाड़ों में अपराधी अपराध के तमाम आधुनिक तरीकों में पारंगत है, तो दूसरी तरफ उन्हें रोकने का जिम्मा उस पटवारी पर है जिसके पास अपराध की रोकथाम के लिए एक लाठी तक नहीं होती। उत्तराखंड में वुमेन सेफ्टी के जो केसेज हैं, ज्यादातर केसेज दर्ज ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ का 60% एरिया पटवारी एरिया है और पटवारी आजकल हड़ताल में है। तो देखिए, आप एक तरफ जहाँ पुलिस है, पुलिस बिल्कुल हड़ताल नहीं कर सकती, लेकिन वहीं 60% एरिया जिस पटवारियों के भरोसे है वो सब लोग हड़ताल में, तो आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति होगी। पहाड़ों में तमाम जगह जो है महिलाओं पे हिंसा, महिलाओं की हत्याओं को लेकर के इसीलिए केस दर्ज नहीं हो पाते हैं, और अगर केस दर्ज होते भी हैं तो पटवारी उन्हें 5-6 दिन तक रफा दफा करते हैं, उसके बाद उसके एविडेंस खत्म हो जाते हैं। साल 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त करने के आदेश दिए थे। जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस आलोक सिंह की खंडपीठ ने आदेश दिए थे कि 6 महीने के भीतर पूरे प्रदेश से राजस्व पुलिस की व्यवस्था समाप्त की जाए और सभी इलाकों को प्रदेश पुलिस के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जाए, लेकिन इस आदेश के इतने साल बाद भी इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई। अंकिता हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस का ये मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखते हुए राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त करते हुए पूरे प्रदेश में रेगुलर पुलिस की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। अंकिता की हत्या के आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं और प्रदेश की तमाम जनता इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रही है। क्या अरमान रहे होंगे उस लड़की के? अरे वो तो उड़ना चाहती थी, उसके पंख क्यों काट दिए गए हैं? वो तो अपने परिवार को बचाना चाहती थी, क्यों उसको मार दिया गया? उस माँ की ममता क्या बोल रही होगी जिस माँ ने अपनी बेटी को 19 साल से पाला होगा और अब उसकी सर्विस के लिए भी वो उसे देख रही होगी और उसकी डोली सजाने की भी व्यवस्था कर रही होगी। क्यों किया इन्होंने? ऐसे ऐसे राक्षसों को उत्तराखंड से भगाना होगा और मैं इनको राजनेता नहीं कहती हूँ, इनको फांसी होनी चाहिए।